नमस्कार, दिस इज कनिष्क चौधरी, सर्टिफाइड योगा एंड फिटनेस एक्सपर्ट। सो गाइस, आज मैं कुछ ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, आज आपकी बीमारियों से, जो आप बीमारी से ग्रस्त है, उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उनके उन लोगों के लिए जूसेस होंगे, स्मूदीज होंगी, जो घर में ही आपके अवेलेबल हैं, आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, उनसे ही आपको यह सारे जूसेस और स्मूदीज मिल जाएंगी। सो आप देखते हैं, बहुत सारे वेदर चेंज होता है, वेदर की वजह से और सारे क्लाइमेट कंडीशन की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां रहती हैं, जैसे कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, अस्थमा हो गया, डिप्रेशन एक अलग चीज़ आ जाती है इसमें। इस तरीके की बीमारियों के लिए मैं आपको जूस बताऊंगा जो आपको बहुत मदद करेंगे। कुछ दवाइयों के साथ आप ऐसे नेचुरल रेमेडीज यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये मेरे जूसेस होंगे, इन्हें भी ऐड करो, आपको बहुत मदद करेंगे। पहला है हमारा कोल्ड के लिए, कैरेट, पाइनएप्पल, जिंजर, गार्लिक और लेमन, आप सबका एक मिक्सचर करके और इसे पिए। आप सुबह लें या शाम को लें, दिन में एक ग्लास लेंगे, आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। दूसरा है हमारा हेडेक, यानी सिर में दर्द। इसके लिए आपको लेना होगा एप्पल, कुकुम्बर, केले, जिंजर, इन चार चीज़ों का मिश्रण करके अच्छे से इसका जूस बनाएं और पिए, आपको बहुत मदद करेगा। तीसरी चीज़ है हमारी अल्सर। अल्सर में आप कैबेज, कैरेट, दोनों चीज का जूस पिए, आपको बहुत मदद करेगा। हाई बीपी, जिनको हाई बीपी की दिक्कत रहती है, उनके लिए एप्पल, जिंजर और कुकुम्बर, ये तीनों चीज मिला के पीनी होंगी, ये बहुत मदद करेंगी आपको। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट, किडनी डिटॉक्स के लिए कैरेट, लेमन, कुकुम्बर, तीनों चीज ऐड करके अच्छे से पीनी है। आप इन चीज का सेवन भी कर सकते हैं और इनके जूसेस भी पी सकते हैं। आंखों के लिए जो बेनिफिट करेगा वह है कैरेट, रेड बेल पेपर, दोनों चीज का मिश्रण करें, दोनों चीज का जूस पिए। जैसा कि पता है, गाजर का जूस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिन लोगों को डिप्रेशन है, जो डिप्रेशन फील करते हैं, एंग्जाइटी फील करते हैं, उनके लिए कैरेट, एप्पल, स्पेनिच और बीट, चारों चीज बहुत मदद करेंगी। नेक्स्ट इज अ डायबिटीज, जिन लोगों को डायबिटीज की दिक्कत है, वह है कैरेट, एप्पल, जिंजर, लेमन और स्पेनिच, सारी चीजों को अच्छे से यूज करें, मिश्रण करें। जिन लोगों को अस्थमा की दिक्कत होती है, उनके लिए एप्पल, लेमन और जिंजर, तीनों चीज बहुत मदद करेंगे। अर्थराइटिस वाले लोग पाइनएप्पल, कुकुम्बर, जिंजर और टर्मेरिक, यानी हल्दी, कच्ची हल्दी का भी वह सेवन कर सकते हैं और हल्दी इसमें थोड़ी सी मिला के भी आप ले सकते हो जूस में। किडनी स्टोन्स, जिन्हें पथरी की प्रॉब्लम होती है, वह लोग ऑरेंजेस, एप्पल, वाटरमेलन और लेमन, चारों चीज का मिश्रण करके लीजिए। और स्ट्रेस, जिन्हें बहुत दिमाग पे लोड रहता है, ये आम लोग भी ले सकते हैं, उनके लिए बनाना शेक, स्ट्रॉबेरीज और पेयर, तीनों चीज बहुत मदद करेंगी। आप इन सब चीज को रॉ भी ले सकते हैं, यानी जो उनकी नेचुरल फॉर्म है उसमें भी ले सकते हैं और जूसेस भी ले सकते हैं। सारी चीज आपने देखा होगा, अधिकतर जिंजर, कैरेट और लेमन सारी चीजों में ही यूज करी गई है। अगर आप एक जूस लेते हैं, एक जूस पे भी वर्क करते हैं, तो वो है सिर्फ आपको एक चीज नहीं, बाकी और सारी चीजों में भी आपको बेनिफिट करेगा। सारी चीज नेचुरल है, सारी रेमेडीज नेचुरल है, आप लीजिए, दवाई खाते हैं, उन दवाइयों से भी आपको ये है निजात दिलाएगी, छूट दिलाएगी। सो गाइज, आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक्स, कमेंट और आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए एक प्रोत्साहन की बात होगी, जो हमें आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू वॉन्ट टू स्टे हेल्दी, यू मस्ट प्रैक्टिस ऑल दिस। थैंक यू सो मच, नमस्कार।